चुके हैं जहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहा है, इनसे जानेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप कहाँ हो रहा है। देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर एएलपी का आपका फॉर्म ऑनलाइन होता है, यानी साइबर कैफे के दुकान पर। यहाँ लगभग 15 से 20 साइबर कैफे की दुकान है। हम आपको बाहर का भी पर साइबर कैफे वाले से जानेंगे कि जो आपका एएलपी का 5696 पोस्ट पर भर्ती आया है उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप किस जोन में जा रहा है। अभी तक आपका बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, इन सभी आरआरबी में अभी तक टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुआ, सबसे ज्यादा बच्चे का झुकाव किस तरफ जा रहा है, आपको कहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहिए, इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बात करेंगे। तथा आपको आपके सामने दिखाई दे रहा होगा पांडे कम्युनिकेशन, यहाँ पर हम आए हैं। अगर किसी भी तरह को आपको फॉर्म फिलअप करने में भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम उनसे बात कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है, छात्र किस तरफ ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तथा उनसे हर कुछ डिटेल्स में जानेंगे और आपके लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा, आपको फॉर्म फिलअप कहाँ करना चाहिए। अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहा है, इनसे जानेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप कहाँ हो रहा है, जो बच्चे फॉर्म फिलअप करने आ रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, आपके अंदर जो भी डाउट रहेगा डॉक्यूमेंट से संबंधित आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चौथा ये रहेगा कि किस आरआरबी में अभी तक कितना फॉर्म फिलअप हुआ, और कुछ ऐसे आरआरबी है क्या वहाँ फॉर्म फिलअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब हम बताएंगे कि आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको फॉर्म फिलअप कहाँ करना चाहिए। शर्मा जी ये बताइए कि बच्चे आ रहे हैं रेलवे का फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो क्या मन में पहले से सोच कर आ रहे हैं कि किस आरआरबी में फॉर्म फिलअप करना है? मैक्सिमम लोग जो है वो सोच के आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो लोग आते हैं और खुद हम ही से राय मांगते हैं। अगर आपसे तो, वो राय लेते हैं तो आप कहाँ पर फॉर्म फिलअप करवाते हैं? नहीं तो उसमें अब हम कैंडिडेट को शो करते हैं कि किस आरआरबी में कितना सीट है, कितना अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज भी होता है, कैटेगरी वाइज देख के बता देते हैं उन लोगों को और अंतिम डिसाइड उन्हीं को करना होता है कि आपको कहाँ भरना है। तो देखिए तो मतलब उस केस में मैक्सिमम लोग वहाँ फोकस करते हैं जहाँ ज़्यादा सीट है, जैसे बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, तो प्रिफरेंस सारे कैंडिडेट का वही होता है। लेकिन ये काफ़ी सैचुराइज हो गया, सैचुराइज बोले तो मतलब सब लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा सीट है, इस हिसाब से लोग यहाँ पे यानी कि जहाँ पर भर्ती ज्यादा है वहाँ बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। हाँ, यानी सबसे ज्यादा बिलासपुर में फॉर्म फिलअप हो रहा है, बिलासपुर सबसे टॉप रैंक। लेकिन ये भी देखिए कि जो बच्चा आ रहा है फॉर्म फिलअप करने, आईटीआई कर लिया है, उसको अभी ये मालूम नहीं है कि हमको किस आरआरबी में भरना है, यानी कि भीड़ से भी नहीं डरना है। बिलासपुर में फॉर्म फिलअप ज्यादा हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि सभी लोग पढ़ने वाले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे आकर पूछ रहे हैं कि कहाँ पर भरे, तो कोई भी कैफे वाले होंगे वो यही सजेस्ट करेंगे कि जहाँ पर ज्यादा भर्ती है वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहिए। इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने हम साझा नहीं कर सकते हैं, वो हर किसी का सिक्योर रहता है, वो डाटा को साझा नहीं किया जा सकता है। अभी तक के डाटा के अनुसार ये जो हमको लिख कर दिए हैं उनके अनुसार बिलासपुर में लगभग अभी 1.5 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप क्रॉस कर चुके हैं, मुंबई में 1,10,000, सिकंदराबाद में आपका 70,000, चेन्नई में 60,000 और भोपाल में 80,000 बच्चे जो है फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। तो ये बताइए कि बच्चा सबसे ज्यादा बिलासपुर भर रहा है, उसके बाद कौन सा आरआरबी को चूज में रख रहा है कि उसके बाद अगर बिलासपुर नहीं भरना चाह रहा है तो भरना चाह रहा है दूसरा तीसरा? तो उसमें वो लोकेशन भी देखता है अपना, मेरे घर से क्या दूर है नहीं है, सुविधाजनक कौन सा है। मुंबई कुछ लोग भरवा रहे हैं, कुछ लोग भोपाल भरवा रहे हैं, कुछ लोग सिकंदराबाद, तो प्रेफरेंस यही हो रहा है। अगर कोई बिहार का कैंडिडेट है तो बिहार में फॉर्म भरना नहीं चाह रहा है क्योंकि सीट कम है। अच्छा ये बताइए कोई ऐसा बच्चा मिला है जो पटना में फॉर्म भरना है, मुजफ्फरपुर में भरा हो, सिलीगुड़ी में भरा हो? नहीं, ऐसा बिहार के ही कैंडिडेट हम लोग के पास आते हैं और हमारे ही जिले के कैंडिडेट आते हैं, फिर भी वो अपने क्षेत्र में फॉर्म नहीं भरवाते हैं। अब देख लीजिए कि मात्रा बहुत यहाँ पर कि अभी तक इनके पास एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया है जो आरआरबी पटना, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी सिलीगुड़ी में एक भी फॉर्म फिलअप, यानी कि जहाँ पर 60-70-80 पोस्ट है वहाँ पर भी गेम हो सकता है। अगर आप चाहे तो वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वहाँ पर कोई फॉर्म फिलअप
नहीं कर रहा है। इनके अनुसार आप देख लिए, हम आए इनका राय जान लिए। अगला वीडियो पूरा डिटेल्स के साथ अपने बोर्ड पर लेकर आएंगे, वहाँ हर कुछ आपको लिख कर बताएंगे। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनसे अगले वीडियो में आपको उस चीज़ कन्फ्यूजन दूर करा देंगे।